My name is Jitendra Minaria. I am faculty of reasoning. अब मैंने देखा है कि बच्चे ये सोचते हैं कि एनआर जो सब्जेक्ट है वो बहुत इजी सब्जेक्ट है और उसको बहुत इजीली कर सकते हैं एग्जाम में, पर मैं आपको बोलता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनआर सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसमें चाहिए स्पीड। कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप क्वेश्चन आता है तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे जो आपको आते हैं। तो मेनली अपने को फोकस होना होता है एक्यूरेसी विद स्पीड। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन इजी है ये तो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने की। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आप अनुष्का एकेडमी पे आए तो क्यों आए। तो आज आपको दिखाऊंगा कि किसी क्वेश्चन की टफ कब हो जाता है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को लेफ्ट से राइट ड्रॉप कर दिया जाए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट है, जैसे आपको समझा था इंग्लिश अल्फाबेट जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये आपकी लेफ्ट साइड तो ये इसकी लेफ्ट साइड, ये आपकी राइट साइड तो यहां से राइट साइड। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट टू राइट प्रत्येक तीसरे लेटर को हटा दिया जाए। तो देखो तीन हटेगा, छह हटेगा, नाइन हटेगा, ट्वेल्व, फिफ्टीन, देन एटीन, देन ट्वेंटी वन, देन ट्वेंटी फोर, प्रत्येक तीसरे लेटर ड्रॉप कर दिया आपने। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ड्रॉप होने के बाद जो लेफ्ट साइड से जो रिमेनिंग अल्फाबेट बची है उसमें लेफ्ट साइड से आपको निकालना है थर्टीन। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। तो आप कैंसिल किया है ऐसे। देखो ये क्वेश्चन तो शायद मैं सेवन क्लास के बच्चों को बोलूंगा तो भी कर लेगा, क्या करना है अल्फाबेट लिखनी है, ड्रॉ करनी है, काउंट करना। पर आप सोचो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे अल्फाबेट को लिखना पड़ा, उसके बाद ड्रॉ करना हुआ, उसके बाद मुझे काउंट करना हुआ, तो मैंने कम से कम भी 30 40 से 50 सेकंड तो इसमें लगेंगे और मैक्सिमम बार थोड़ा डिले करोगे तो एक मिनट। बट एग्जाम में क्या होता है, ये जो क्वेश्चन बना हुआ इसका जो टाइम डिसाइड होता है लगभग 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड, उसके अंदर आपको इसको करना है। अब आप सोचो अभी क्वेश्चन टफ हुआ है नहीं हुआ, ये क्वेश्चन इजी है क्यों, क्योंकि अल्फाबेट लिख के ड्रॉ करना, पर मेरे को 5 सेकंड में करना है तो टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि आप अल्फाबेट नहीं लिख पाओगे नहीं इसको ड्रॉ कर पाओगे। तो आज हम यही सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस को ओरली कैसे कर सकते हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं, लिखे बन कैसे करेंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि 30 लेटर निकालना है, तो जो लेटर निकालना है वो लिख दीजिए। तो मैंने 30 लेटर निकालना है तो 30 लिख दिया। उसके बाद हमेशा यहां पे प्लस लगाइए और एक डिवाइड का साइन लगाइए। अब जो भी लेटर आपका ड्रॉ होगा, थर्ड लेटर ड्रॉ हो रहा है देखो तीसरा लेटर, तो आप नीचे जो भी ड्रॉ होगा उससे माइनस वन आपको नीचे देना है। तो मैंने माइनस वन किया तो 30 में से 2 गया तो 1 गया, तो बचा 2 बचा। अब इससे जस्ट छोटी संख्या जो इससे पूरी तरह डिविजिबल हो वो कौन होती है, 12। तो 12 इससे पूरी तरह डिविजिबल है इस नंबर से, तो कितने बार गया 6 टाइम, तो 16, 13 और 6 कितना हुआ 19, तो 19 पे क्या होता है 19 इसकी प्लेस वैल्यू है एस की। अगर आप प्लेस वैल्यू तो आपको याद ही होगी अगर आप पढ़ रहे हैं तो 19 इसकी प्लेस वैल्यू है एस की, तो आपका आंसर क्या आया एस। तो देखो भाई देखो बच्चों अपन ने ये क्वेश्चन जो लिख के किया था वही क्वेश्चन अपन ने कैसे किया, सिंपल से क्या करना है जो निकालना है उसमें प्लस लगाया और ये जितना भी एक लेस लिख के उसका हाफ करके प्लस करके आंसर डायरेक्ट निकाल दिया। तो यानी आप सोचो क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया, न तो मुझे अल्फाबेट लिखनी पड़ी नहीं, यही अनुष्का एकेडमी में आपको सिखाया जाता है। एग्जैक्टली अनुष्का एकेडमी का रिजल्ट इसीलिए रहते हैं कि बच्चों की मेन चीज होती है स्पीड और वही यहाँ सीखी जाती है, इसके काफी सिलेक्शन होते हैं हर साल और आगे भी होते रहेंगे। और आप भी अगर अनुष्का एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो अपनी सीट जरूर सिक्योर कर लेंगे। तो आप सभी को अनुरोध है कि अनुष्का एकेडमी ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ मिलकर अपना नाम कहीं ना कहीं रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच।